भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच नागपुर में खेले जा रहे टेस्ट मैच का पहला दिन भारतीय स्पिनरों के नाम रहा। मेजबान ऑस्ट्रेलिया की टीम पहले ही दिन 177 रन पर ऑल आउट हो गई। इंजरी के बाद वापस आए ऑलराउंडर रविंद्र जडेजा ने शानदार गेंदबाजी करते हुए 5 विकेट लिए, वहीं रविचंद्रन अश्विन को 3 विकेट मिले। ऑस्ट्रेलिया की ओर से मानस लैबशेन ने 49 और स्मिथ ने 37 रन बनाए। जवाब में भारतीय टीम ने अच्छी शुरुआत की। सलामी बल्लेबाज केएल राहुल और रोहित शर्मा के बीच 74 रन की साझेदारी हुई। हालांकि केएल राहुल ज्यादा देर तक नहीं टिक सके और 20 रन पर आउट हो गए, लेकिन कप्तान रोहित शर्मा ने अपना अर्धशतक पूरा किया। पहले दिन का खेल समाप्त होने पर भारत ने 1 विकेट खोकर 77 रन बना लिए हैं। भारत ऑस्ट्रेलिया के बीच खेले जा रहे टेस्ट मैच का पहला दिन खास तौर पर ऑलराउंडर रविंद्र जडेजा के नाम रहा, और यही वजह रही कि पहले दिन का खेल खत्म होने के बाद रविंद्र जडेजा बेहद खुश दिखाई दिए। दिन का खेल खत्म होने के बाद जडेजा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा कि विकेट पर ज्यादा बाउंस नहीं था और इसलिए उन्होंने उसी हिसाब से गेंदबाजी की। बॉलिंग में अच्छा लगा कि रिदम था और जो मैं प्रिपेयर कर रहा था टेस्ट सीरीज को लेके, तो हाथ से बॉल अच्छा छूट रहा था और लाइन और लेंथ वो भी अच्छा था, क्योंकि विकेट पे इतना बाउंस नहीं, तो मैं स्टंप टू स्टंप लाइन ज़्यादा प्रिफर कर रहा था कि बाउंस नहीं है तो LBW और बोल्ड के चांसेस बन सकते, और लकीली वही बोल्ड और LBW मुझे विकेट मिला, तो बहुत ही खुश हूँ। महाराष्ट्र सरकार ने दीक्षा भूमि के विकास के लिए 190 करोड़ रुपए मंजूर किए हैं। बुधवार को सरकारी वकील ने हाई कोर्ट में ये जानकारी दी। इस मामले में चल रही सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता शैलेश नारनवरे ने हाई कोर्ट को बताया था कि वर्ष 2018 में दीक्षा भूमि के विकास के लिए 100 करोड़ रुपयों का प्रावधान करने के बावजूद विकास कार्य शुरू नहीं किए गए। हालांकि 100 करोड़ मंजूर किए जाने के बाद राज्य सरकार ने 40 करोड़ रुपए जारी भी किए थे। इसके साथ ही नागपुर सुधार प्रन्यास और NMRDA को नोडल एजेंसी नियुक्त करके विकास प्रारूप तैयार करने की जिम्मेदारी दी गई थी। ये सब कुछ हाई कोर्ट में विचाराधीन जनहित याचिका के तहत किया जा रहा था, लेकिन इन सब के बावजूद दीक्षा भूमि के विकास की दिशा में कोई कार्य नहीं हुआ। नागपुर महानगर पालिका को मिले कोरोना के 4,500 डोज 10 फरवरी के बाद बेकार हो जाएंगे। कोरोना के संक्रमण के दौरान मनपा को 9,000 वैक्सीन प्राप्त हुई थी। इनमें से अधिकांश वैक्सीन का उपयोग हो चुका है, लेकिन अब भी करीब 4,500 वैक्सीन के डोज बचे हुए हैं। बताया जा रहा है कि कोरोना का संक्रमण कम हो जाने के कारण शहर के नागरिकों ने दूसरा और तीसरा डोज नहीं लगाया, और इसी वजह से करीब 4,500 डोज अब बेकार हो जाएंगे। सवाल ये है कि नागपुर महानगर पालिका के पास फिलहाल वैक्सीन का नया स्टॉक नहीं आया है, और 10 फरवरी के बाद कोरोना का वैक्सीनेशन होगा या नहीं, इसका जवाब किसी के पास नहीं है। नागपुर विश्वविद्यालय का वार्षिक बजट 9 मार्च को सीनेट की बैठक में पेश किया जाएगा, हालांकि यह बैठक नियमित नहीं होगी। जानकारी के मुताबिक अभी सीनेट की 10 स्नातक सीटों का चुनाव होना बाकी है, और राज्यपाल द्वारा नामांकित सदस्यों की नियुक्ति का पत्र भी अब तक कुलगुरु ने जारी नहीं किया है। ऐसे में 9 मार्च की सीनेट बैठक का कोरम पूरा नहीं होगा। इन परिस्थितियों को देखते हुए पूर्व सीनेट सदस्य मनमोहन वाजपेयी ने 9 मार्च को होने वाली बैठक पर आपत्ति जताई है। वाजपेयी ने इस सिलसिले में राज्यपाल को भी पत्र लिखा है। नागपुर विश्वविद्यालय ने आगामी 11 फरवरी को होने वाली MSc के तीसरे सेमेस्टर की परीक्षा स्थगित कर दी है। अब ये परीक्षा 16 फरवरी को होगी। बताया जा रहा है कि 11 फरवरी को गेट की परीक्षा भी होनी है, और इसी कारण से विद्यार्थियों की मांग को देखते हुए 11 फरवरी की परीक्षा स्थगित करने का फैसला किया गया। नागपुर के महाराज बाग में दुर्लभ प्रजाति के हिरण और मोरनी का आगमन हुआ है। इन्हें बिलासपुर के कानन पेंडारी प्राणी उद्यान से लाया गया है। इनमें 2 मोरनी और 6 हॉक डियर शामिल हैं। इसके पहले महाराज बाग में एक ही मोर था और हॉक प्रजाति का कोई भी हिरण नहीं था। नवंबर 2022 में महाराज बाग प्रशासन द्वारा केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण से इस बारे में अनुरोध किया गया था, और सहमति मिलने के बाद महाराज बाग में ये नए मेहमान लाए गए हैं। नागपुर के इमामबाड़ा थाने में कलमना के सब इंस्पेक्टर धनाजी मारकवाड़ और एक व्यापारी अजय बत्रा के खिलाफ हफ्ता वसूली का मामला दर्ज किया गया है।
आरोप है कि इन दोनों ने वेंकटेश बिल्डर्स एंड डेवलपर्स कंपनी के संचालक और उनके बेटे को डरा धमका कर 1,12,00,000 रुपयों की हफ्ता वसूली की थी। इस बीच नागपुर के पुलिस आयुक्त अमितेश कुमार ने साफ कर दिया है कि किसी भी प्रकार की गैर कानूनी गतिविधि ना ही पुलिस विभाग और ना ही कहीं और बर्दाश्त की जाएगी। नागपुर पुलिस के एंटी करप्शन विभाग ने एक आरटीओ इंस्पेक्टर को 500 रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ गिरफ्तार किया है। पकड़ा गया इंस्पेक्टर अभिजीत सुधीर मांझरे कांद्री चेक पोस्ट पर तैनात था। आरोप है कि आरटीओ इंस्पेक्टर ने विनोद लांजेवार नाम के वाहन चालक से 500 रुपयों की रिश्वत मांगी थी, लेकिन वाहन चालक ने रिश्वत देने की बजाय इंस्पेक्टर की शिकायत कर दी और एंटी करप्शन विभाग ने जाल बिछा कर इंस्पेक्टर सुधीर मांझरे को रंगे हाथों पकड़ लिया। जरी पटका पुलिस ने विनय भंग और जान से मारने की धमकी देने के मामले में 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस के मुताबिक आरोपी बादल सहारे अक्सर शराब पीने के बाद बस्ती के लोगों के साथ गाली गलौच और मारपीट किया करता था। ऐसी ही एक घटना में उसने अपने दोस्तों के साथ मिलकर एक महिला और उसके पति के साथ मारपीट की। शिकायत के बाद जरी पटका पुलिस ने सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। जरी पटका पुलिस स्टेशन हद में रहने वाली फिरियादी, इन्होंने एक रिपोर्ट दिया है कि उनके बस्ती में रहने वाला एक आरोपी हमेशा उनके घर में दोस्तों के साथ पार्टी करता है और पार्टी करने के बाद शराब के नशे में बाहर आके गाली गलौज करता है। यही मैटर के चलते कल वही आरोपी बादल सहारे इसने अपने घर पर पार्टी की और शराब के नशे में घर के बाहर आकर गाली गलौज किया। उसी को रोकने के लिए फिरियादी का पति उससे समझाने गया तो उन्हें भी गाली गलौज किया और उनको हाथ पीछे से मारा। फिरियादी यह उससे समझाने गई तो उनका भी हाथ पकड़ा और उन्हें भी गाली गलौज किया। उस आधार पर जरीपटका पुलिस में अपराध क्रमांक 112/2023 कलम 354 294 504 506 ब और 34 भादवी अंतर्गत गुना दर्ज किया गया है। इस गुन्ने में के चारों आरोपी को तपास पथक जरीपटका इन्होंने पकड़ लिया है और उन्होंने उनको लॉकअप किया गया है।